हमारा जो पोर्टफोलियो है ना सर 30-40% तक का लॉस दिखा रहा है, ना तो हम उसमें से निकल सकते और ना हमारे पास और पैसे हैं उसको एवरेज करने के। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है डीप सर्च सिक्स। और आज बात करते हैं सर अक्षय ऊर्जा की और एक मूडीज के बयान से क्या हमें सुजलोन एनर्जी और हमें ऊर्जा के क्षेत्र में यानी कि ऊर्जा ग्लोबल में क्या हमें संभावना देखने को मिल रही है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और इन सब से बात करने से पहले सर एक कमेंट की बात कर लेते हैं। उन्होंने लिखा है कि सर इस गिरती हुई मार्केट में सर हमारा जो पोर्टफोलियो है ना सर 30-40% तक का लॉस दिखा रहा है, ना तो हम उसमें से निकल सकते और ना हमारे पास और पैसे हैं उसको एवरेज करने के लिए। जब भी इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती रहती है ना, तो जब मार्केट गिरती है तो सर उसके अंदर हमें अपने जो शेयर है ना उसको बिल्कुल भी एवरेज नहीं करना चाहिए। या तो हमें एक काम कर लेना चाहिए, एक डीमैट अकाउंट अलग से खोल लेना चाहिए जिससे हमें लगे कि हमने कोई शेयर को 50 में लिया है और वो 30 रुपये में आ गया है, तो फिर वो 30 रुपये में दूसरे हमें डीमैट अकाउंट में वो शेयर लेने चाहिए ताकि वो 30 वाला 35,000 सेल करो, 40,000 सेल करो। अपने जो ऊपर वाले हैं ना उसको हमें रखना ही पड़ता है, उसे रखना ही एक अच्छी चीज़ है क्योंकि लॉस हमें बिल्कुल भी नहीं अगर जो हमने शेयर अच्छे लिए हैं उसमें से लेना चाहिए। सर देखो सर, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मार्केट इस तरह की है कि इस मार्केट में अब आपको बस एक बना लो कि हमें प्रॉफिट चाहिए चाहिए, चाहे वो 500 आ रहा हो, चाहे 700 और 1000 2000 5000, वो लेते रहो। क्योंकि मार्केट सर अब तो बार बार गिरने का मौका ढूंढ रही है और गिरती भी रहती है और उसकी वजह से हमारा जो पोर्टफोलियो वो भी ब्रैडता की तरफ और पैसा भी हमारे पास नहीं होता लगाने के लिए, एवरेज करने के लिए। तो इससे दूरी छुटकारा पाने के लिए सर अपनी अमाउंट को थोड़ा बचा के भी रखना चाहिए ताकि जब भी गिरावट आए तो हमें अपने शेयरों को उसमें से खरीद लेना चाहिए। और फिर बता रहा हूँ मैं आपको, दूसरा है डीमैट अकाउंट जरूर खुलाइए। अगर आपको कौन सा डीमैट अकाउंट खोलना है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको उसका लिंक भेज दूंगा और बता भी दूंगा उसके फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं। तो सर बात करते हैं सर अक्षय ऊर्जा की और एक मूडीज की रिपोर्ट आई है कि भारत को अपने लक्ष्य जो उन्होंने देखा है कि 2030 तक वो 50% तक के विंड टरबाइन और सोलर से ऊर्जा लेगा, बिजली बनाएगा, उसका एक सपना है। इसके लिए भारत को $225 अरब से $250 अरब की आवश्यकता होगी ही होगी। अब इससे एक चीज़ और उत्पन्न हो रही है कि अगर हमें विंड टरबाइन और ऊर्जा के क्षेत्र वाले शेयर हो उसमें एक चीज़ और मूडीज की तरफ से बोली गई कि उसमें पैसों की आवश्यकता होती है। सर बिल्कुल सही बात है कि अगर हमें अपने लक्ष्य को पूरा करना है तो उसके लिए हमें फिर पैसे भी चाहिए क्योंकि फ्री में तो कोई चीज़ खड़ी नहीं होगी। सर उसके लिए उन्होंने एक रूपरेखा बनाई है जो 2030 तक के उनको इतना पैसा की जरूरत पड़ेगी। और उन्होंने एक चीज और भी बोल दी है कि अगर सरकार इसमें ध्यान दे और जो विदेशों से फिर इसके अंदर भाग लेने के लिए सौर ऊर्जा में, अक्षय ऊर्जा में भाग लेने के लिए विदेशी निवेशकों को भी प्रेरित करे और सरकार अगर समर्थन करती है तो सरकार का लक्ष्य फिर पूरा भी हो सकता है। अब इससे ये चीज़ देखी जा रही है कि मूडीज के बातों से लग रहा है कि आने वाले दिनों में विंड टरबाइन और आपका सोलर का क्षेत्र बहुत ही ग्रोथ की तरफ जाने वाला है क्योंकि मूडीज कुछ हल्की वाली चीज नहीं है और वो अच्छी अपनी राय रखती है और उसकी राय आगे जाकर आपको रंग जरूर दिखाती है। तो उनकी तरफ से एक साफ संकेत है कि भारत को अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए पैसों की आवश्यकता है, विदेशी निवेशकों को प्रेरित करने के लिए उनको समर्थन चाहिए ताकि हम अपना लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। मार्च 2022 में 157 गीगावाट से 2030 तक 500 गीगावाट तक करने के लिए इन सब चीज़ों की भारत को आवश्यकता होगी। सर विंड टरबाइन के क्षेत्र में आपको सुजलोन एनर्जी कुछ शेयर को छोड़ना जरूर चाहिए जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनी इस बारे में बता रही है। सर ऊर्जा ग्लोबल में मैं आपको इसलिए ज़्यादा प्रेरित नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उनका एक अपना
छोटा सा व्यापार है और उस व्यापार में वो काम कर रही है और उसमें काम की संभावना अच्छी तो है, लेकिन इतनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो अच्छी संभावना मुझे नहीं दिख रही है, क्योंकि उसके लिए सोलर पे अच्छा काम करने के लिए आपको टाटा पावर, अडानी पावर की तरफ भी रुख करना पड़ सकता है और रिलायंस वाले की रिलायंस इंडस्ट्री में भी आपको इस तरह के शेयरों में अपना रुख करना पड़ सकता है। तो इसलिए ऊर्जा ग्लोबल में आपको थोड़ी वाली संभावना लेकर चलनी पड़ेगी और सुजलोन एनर्जी में भी अच्छी वाली संभावना और अदर कंपनियां टाटा पावर, अडानी पावर, इनकी तरफ भी आपको अपना एक रुख करना पड़ेगा, क्योंकि मूडीज के हिसाब से ये जो दो सेक्टर आ रहे हैं ऊर्जा और आपका विंड टर्बाइन वाले जो शेयर हैं उसमें रौनक आपको आने वाले दिनों में दिखाई देगी। एक रास्ता उन्होंने क्लियर कर दिया है कि हाँ वाकई में ये भारत को 50% बिजली देने का एक काम आगे जाकर कर सकते हैं। बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ रही है और पॉजिटिव न्यूज़ को अच्छी तरह पॉजिटिव समझना, वो कल के लिए मत समझ लेना, ये अच्छी न्यूज़ है, इसको अपने दिमाग पर बिठाना कि भारत का लक्ष्य 2030 का है और वो उसे प्राप्त करने के लिए निवेशकों से बात भी कर सकता है। तो वो उन्होंने पिक्चर एक क्लियर कर दी है। सर ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर आइए जरूर, सब्सक्राइब भले मत कीजिए लेकिन मेरी बातों को गौर से सुनिए ही सुनिए। सर फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।